हेलो एवरीवन, लास्ट की वीडियो में हमने बात की थी इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज के बारे में। आज हम बात करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में। ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रल होता क्या है? सपोज करो हमारे पास कोई फंक्शन है, y इक्वल टू है एफ एक्स है हमारे पास फंक्शन। ठीक है, हम उसे डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास रिजल्ट आया एफ डैश एक्स। अब ये रिजल्ट है जो हमारे पास एफ डैश एक्स आया, वो किस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके आया है? एफ एक्स को आया है ना डिफरेंशिएट करके। हमें यही फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके हमारे पास जो है एफ डैश एक्स आया। वो प्रोसेस क्या है? इंडेफिनिट इंटीग्रल है। जैसे कि यहाँ पर हम सपोज हमारे पास फंक्शन है टू एक्स है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये टू एक्स हमारे पास आया किसे डिफरेंशिएट करके। ठीक है, उसके लिए हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे टू एक्स की विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? टू ऐसे ही रह जाएगा, ये एक्स क्या बन गया? प्लस वन पावर होगी, वन प्लस वन, यहाँ पर वन पावर है, वन प्लस वन कर देंगे टू, नीचे भी टू आ जाएगा। ये इस टू से ये वाला टू जो कैंसिल हो जाएगा। प्लस कांस्टेंट तो आता ही, हमें पता है इंटीग्रेशन में क्या बन गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस सी बन गया। तो ये फंक्शन है जिसे डिफ्रेंशिएट करके हमारे पास टू एक्स जो आएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक बात और, यहाँ पर कांस्टेंट जो है हमेशा लगना ही लगना है इंटीग्रेशन में, बिकॉज जो इंटीग्रेशन में अगर आप कांस्टेंट नहीं लगाओगे तो आपको कोई भी मार्क्स जो है नहीं मिलेगा। कांस्टेंट इसलिए लगाया जाता है क्योंकि डिफरेंशिएट में तो जो होते हैं कांस्टेंट वगैरह वो तो साथ में मल्टीप्लाई वगैरह हो जाते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में सारे कांस्टेंट जो है साथ में नहीं आ पाते, इसलिए जो उन सबको मैनेज करने के लिए हम जो कांस्टेंट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स रिस्पेक्ट एक्स इंटीग्रेट करना है उसे। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे? फर्स्ट फंक्शन के इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो भी साइन हो, प्लस का साइन हो तो प्लस, माइनस का साइन हो तो माइनस। इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट हमेशा लास्ट में आएगा चाहे आपके ऊपर जितने भी फंक्शन हो, एक दो तीन चार जितने भी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है उसके साथ कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में, तो हम उसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैसे करेंगे? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो कांस्टेंट है उसे हम बाहर निकाल लें और इंटीग्रेशन किसकी कर दें? फंक्शन की कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। प्लस क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। और हम यहाँ पर हमने कांस्टेंट सी वन लिया है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि यहाँ पर सी वन क्यों लिया है, बाकी जगह तो हम सी ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सी वन इसलिए लिया है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक कांस्टेंट था जिसका नाम सी था, तो इसलिए कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए हमने यहाँ पर सी वन लगा दिया, और आप चाहो तो सी टू कर सकते हो। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि आपको इजीली सब क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करनी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हमें पता है कि डिफरेंशिएशन में जो पावर है वन लेस हो रही थी, हर क्वेश्चन में पावर लेस होती थी वन, यहाँ पर इंटीग्रेशन में क्या इन्वर्स होगा तो क्या हो जाएगा? पावर प्लस हो जाएगी। और उस वहाँ पर क्या था, जो पावर थी वो क्या थी? मल्टीप्लाई में आ रही थी, मल्टीप्लाई में आ रही थी। अब क्या होगा? इन्वर्स डिफरेंशिएशन सॉरी अपॉन में चली जाएगी। बस इतना ही है, इतना ही। देखो कैसे होगा ये, अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसमें हम प्लस वन कर देंगे तो क्या बन गया? एक्स क्यूब बन गया। अब यहाँ पर अगर टू प्लस वन क्या थ्री हो गया, तो नीचे भी क्या है? टू प्लस वन थ्री हो जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है, यहाँ पर एक्स की पावर फाइव बाई टू है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है, क्या करेंगे? यहाँ पर भी प्लस वन कर देंगे, नीचे क्या हो जाएगा? फाइव बाई टू प्लस वन क्या बन गया? एक्स की पावर सेवन बाई टू अपॉन सेवन बाई टू, यही तो है हमारा रिजल्ट, प्लस कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या करना है? एक्स स्क्वायर प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हमारे पास क्या हो गया? दो फंक्शन हो गए, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन एक से ज़्यादा फंक्शन हो जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? फर्स्ट प्रॉपर्टी। क्या करेंगे? पहले फर्स्ट की इंटीग्रेशन प्लस सेकंड की इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट। फर्स्ट की इंटीग्रेशन तो इजी है, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? एक्स क्यूब बाई थ्री। अगर हम सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा? टेंजेंट एक्स बन जाएगा, प्लस कांस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स प्लस वन बाई एक्स, उसकी इंटीग्रेशन करनी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर भी क्या है, हम फर्स्ट प्रॉपर्टी का ही यूज़ करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी, एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर बाई टू वन बाई एक्स के इंटीग्रेशन प्लस लॉग एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करनी विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
क्या रिजल्ट आएगा। इसमें भी क्या हम फर्स्ट प्रॉपर्टी का ही यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कर देंगे, मतलब कि दोनों को इन दोनों को अलग अलग करके कर लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर बन गया, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या आएगा हमारे पास, एक्स क्यूब को अगर हम इस पावर को इस पावर से कट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, थ्री माइनस टू वन बच जाएगा, यहाँ पर एक्स बच गया। माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो पावर एक्स स्क्वायर है वह ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, माइनस के टू बन जाएगा, यहाँ पर प्लस के टू है, ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस के टू। दैट्स इट, इसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप चाहे तो यहाँ पर वन अपॉन एक्स स्क्वायर भी रहने दे सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसलिए आप माइनस में ऊपर ले जाएँ तो ईजी हो जाएगा। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, अब एक्स की इंटीग्रेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स की पावर माइनस टू की इंटीग्रेशन है, अगर प्लस वन करेंगे तो वहाँ पर माइनस वन बन जाएगा, नीचे भी क्या है माइनस वन प्लस सी कॉन्स्टेंट। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई टू सिमिलर रह जाएगा और एक्स की पावर सॉरी यहाँ पर माइनस साइन है और यहाँ पर भी माइनस साइन है, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और जो पावर माइनस वन है ना, अगर हम इसे अपॉन में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वन अपॉन एक्स हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थ्री की पावर एक्स की इंटीग्रेशन करनी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आपको याद होगा हमने एक फॉर्मूला किया था, ए की पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर हम उसे इंटीग्रेट करते तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता था, ए की पावर एक्स लॉग ई ए, ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट। यहाँ पर भी तो यही है, ए की अगर यहाँ पर क्या है थ्री दिया हुआ है तो आप थ्री पुट कर दीजिए, क्या होगा, ए की पावर एक्स मतलब थ्री की पावर एक्स अपॉन लॉग ई ए, मतलब लॉग ई, यहाँ पर ए की अगर क्या है थ्री है तो आपको पुट कर दीजिए प्लस कॉन्स्टेंट ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना। अभी हमें पता है कि यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ना तो ट्रिग्नोमेट्री का है ना तो इंटीग्रेशन का है, तो हम ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है हम इसको दो पार्ट में तोड़ लेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाई वन अपॉन कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट। अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स किसके अकॉर्ड होता है, टेंजेंट एक्स के होते हैं, वन अपॉन कॉस एक्स किसके होता है, सेकंड एक्स के होते हैं। तो अब अगर हम इसके इंटीग्रेशन करेंगे तो हमने फॉर्मूला ऑलरेडी एक डिस्कस कर रखा है कि टेंजेंट एक्स सेकंड एक्स किसके इक्वल होता है, सेकंड एक्स के इक्वल होता है, प्लस क्या है कॉन्स्टेंट आ जाएगा साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स वाई टू की इंटीग्रेशन करनी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री हम इसे कैसे कर सकते हैं वो देखिए। इंटीग्रेशन करते हैं हम, अगर साइन स्क्वायर एक्स वाई टू को अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग तोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, वन माइनस कोस एक्स अपॉन टू, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में साइन एक्स वाई टू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे, वन बाई टू है जो हम बाहर निकाल लेंगे, हमारे पास क्या अंतर बच जाएगा, वन माइनस कोस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है, उसे क्या आ जाएगा, वन बाई टू बाहर है, वन की इंटीग्रेशन क्या आएगी एक्स, कोस एक्स की आ जाएगी साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन करनी है कोस स्क्वायर एक्स बाई टू की विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कैसे हो गई वो, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लग जाएगा, कोस स्क्वायर वाई टू किसके इक्वल होता है, वन वाई वन प्लस कोस एक्स अपॉन टू के। अब उसकी इंटीग्रेशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा, वन बाई टू बाहर आ गया, क्योंकि कॉन्स्टेंट ने पहले बताया कि कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है, तो इंटीग्रेशन किसकी होगी, वन प्लस कोस एक्स की विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वन बाई टू ऐसे ही बाहर रहेगा, वन की अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा, कोस एक्स की करेंगे साइन एक्स बन गया, प्लस क्या है कॉन्स्टेंट आ गया। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साइन टू एक्स की इंटीग्रेशन करनी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा, साइन टू एक्स किससे इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगी, माइनस कोस टू एक्स अपॉन टू के, माइनस कोस टू एक्स अपॉन टू के, क्यों, क्योंकि साइन की इंटीग्रेशन किसके इक्वल होती है, माइनस कोस एक्स के, तो यहाँ पर टू एक्स था तो टू जो है एक्स के साथ कॉन्स्टेंट में लगा हुआ है, तो वो टू क्या फोर में आ जाएगा प्लस सी कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट इंटीग्रेशन है हमारे पास, ई की पावर टू एक्स की इंटीग्रेशन करनी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा, ई की पावर टू एक्स अपॉन टू प्लस कॉन्स्टेंट। वैसे हमारे पास ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन होती है ई की पावर एक्स, लेकिन यहाँ पर क्या है टू एक्स, मतलब कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो कॉन्स्टेंट क्या है डिवाइड भी होगा, इसलिए यहाँ पर टू आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर की इंटीग्रेशन करनी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब क्या होगा, यहाँ पर पावर है तो प्लस वन हो जाएगा, नीचे भी क्या प्लस टू प्लस वन थ्री हो जाएगा, ऊपर भी थ्री हो गया, ए एक्स प्लस बी की पावर थ्री अपॉन थ्री,
अब हमारे पास कॉन्स्टेंट के सॉरी एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई भी हो रहा है ना, कॉन्स्टेंट ए हो रहा है, तो वो भी क्या है नीचे आ जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन टू एक्स कोस थ्री एक्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आएगा रिजल्ट। अब हमें पता है कि ये हमारे पास कोई भी फार्मूला नहीं है, ना तो ट्रिग्नोमेट्री ना तो इंटीग्रेशन का, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसके फार्मूला बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड। अब हमने टू से मल्टीप्लाई भी कर दिया टू से डिवाइड भी कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, टू साइन टू एक्स कोस टू एक्स डी विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है, वन बाई टू मल्टीप्लाई में है, वन बाई टू हमने बाहर निकाल लिया, तो हमारे पास क्या फार्मूला बच गया, टू साइन टू एक्स कोस टू एक्स कोस थ्री एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है। हमें पता है कि फॉर्मूला क्या था हमारे पास, टू साइन ए कोस बी किसके इक्वल होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब हमारे पास साइन सॉरी ए क्या है टू एक्स है, बी क्या है थ्री एक्स है, तो उसी से हम सॉल्व कर लेंगे, वन बाई टू ऐसे रहेगा, साइन ए प्लस बी टू प्लस थ्री फाइव हो गया, ए माइनस बी क्या हो जाएगा माइनस एक्स बन जाएगा, टू माइनस थ्री करेंगे माइनस वन ही आएगा, ठीक है दैट्स इट, इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नेक्स्ट हम करते हैं वन बाई टू, ये जो साइन फाइव एक्स है जी ऐसे ही रह जाएगा। अब हमें पता है कि साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, तो साइन माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है। साइन फाइव वन बाई टू ऐसे ही रहेगा, साइन फाइव एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कोस होती है, यहाँ पर फाइव एक्स है तो फाइव एक्स ऐसे ही रह जाएगा, नीचे क्या है यहाँ पर कॉन्स्टेंट फाइव मल्टीप्लाई हो रहा था नीचे डिवाइड में कॉन्स्टेंट फाइव आ जाएगा, तो माइनस साइन की इंटीग्रेशन तो हमें पता चल गया माइनस कोस होता, तो वो उस माइनस से इस माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर कोस एक्स पॉजिटिव की आ जाएंगे प्लस कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन करनी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी। अब हमें पता है कि ये भी कोई फॉर्मूला ना तो इंटीग्रेशन का है ना तो ट्रिग्नोमेट्री का, अगर ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास आता है तो हम क्या करेंगे, उसे रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने कैसे करते हैं, रैशनलाइज करने के लिए हम जो अपॉन में वैल्यू दी होती है उसका ऑपोजिट साइन लेकर उसे ऊपर भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए ऐसे वन अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट किया। अब क्या करेंगे, ये वन को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी, अगर हम नीचे ए प्लस बी है यहाँ पर ए माइनस बी है, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। अब ए स्क्वायर करेंगे मतलब एक्स प्लस ए का अंडर रूट है, अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस ए आ जाएगा। अब बी क्या है हमारे पास एक्स प्लस बी है, अगर हम इसका स्क्वायर एक्स प्लस बी का अंडर रूट है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा एक्स प्लस बी बच जाएगा, माइनस साइन है क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनना था। अब हम देखिए इसे और इजी कर सकते हैं, यहाँ पर जो एक्स है ये पॉजिटिव का है, यहाँ पर एक्स है माइनस नेगेटिव का है, तो हम इन्हें कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो गया हमारे पास क्या बच गया, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स अपॉन ए माइनस बी। अब हम इस ए माइनस बी को क्या है बाहर निकाल सकते हैं, तो इसके साथ कोई भी फंक्शन एक्स हो ए मल्टीप्लाई में नहीं है, तो हम इसे वन अपॉन ए माइनस बी इंटीग्रेशन बाहर निकाल ली, तो क्या होगा आगे एक्स प्लस ए की पावर क्या हम माइनस वन बाई टू में ले लेते हैं, ठीक है। माइनस एक्स प्लस बी की पावर भी वन बाई टू में ले ली विद रिस्पेक्ट। अब क्वेश्चन उठता है कि हमने यहाँ पर अंडर रूट की जगह वन बाई टू क्यों लिया, बिकॉज अब अगर हम अंडर रूट की मतलब अंडर रूट को इंटीग्रेट करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, बहुत डिफिकल्टी होगी, अगर हम उसे वन बाई टू से करेंगे तो प्लस वन करेंगे और नीचे भी प्लस वन हो जाएगा पावर में, तो ईजी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए हमने किया। तो अब हमें पता है कि वन अपॉन ए माइनस बी ऐसे ही रह जाएगा, एक्स प्लस ए की पावर अगर हमारे पास वन बाई टू है इसमें वन प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा थ्री बाई टू, नीचे भी क्या है पावर में अगर वन बाई टू में वन प्लस कर देंगे थ्री बाई टू बन जाएगा, माइनस एक्स प्लस बी की पावर सिमिलरली थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू बन जाएगा, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन करने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेम कंडीशन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है तो क्या करेंगे हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, साइन एक्स मल्टीप्लाई बस वन बाई साइन एक्स, ठीक है, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा, कोस अपॉन साइन करेंगे तो क्या बन जाएगा कोट एक्स, वन अपॉन साइन करेंगे कोसेकेंट एक्स। अब हमें पता है कि अगर हम वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या बन जाएगा, फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, टेंजेंट इनवर्स एक्स बन जाएगा। अगर हम माइनस कोट एक्स कोसेकेंट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा,
कोसेकेंड एक्स बनेगा, क्योंकि कोट एक्स कोसेकेंड एक्स के इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो गया, माइनस कोसेकेंड एक्स होती है। अगर यहाँ पर भी माइनस है और उसके आगे भी माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस के कोसेकेंड एक्स आ जाएंगे, प्लस सी कॉन्स्टेंट। दैट्स इट, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आज देखे कैसे करने हैं। बाकी का आप क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं जो भी आपकी बुक में दिए हों। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।